please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. दिल्ली में केजरीवाल सरकार के मंत्रियों के अनशन और धरने को लेकर कांग्रेस ने हमला किया है। कांग्रेस की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी और कांग्रेस अपनी नाकामियां छुपाने के लिए निचले स्तर की राजनीति कर रहे हैं। शीला दीक्षित ने आरोप लगाया कि दिल्ली की जनता प्रदूषण और गंदगी से परेशान है और मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों के साथ एसी कमरे में धरने पर बैठे। जो चीफ सेक्रेटरी उस वक्त की बीजेपी सरकार छोड़कर गई थी, हार गई थी, उसको भी हमने कंटिन्यू करा 98 में। वो आके उसने मुझसे कहा कि आप बदलना चाहती हैं तो बदलिए। होम मिनिस्ट्री से भी फोन आया कि आप अगर तो बदलना चाहती हैं तो बदलिए। मैंने कहा कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे काम करूंगी। That was our attitude, और इनका क्या attitude है? ये थोड़े कि आप धरने पर बैठ जाएं और वो भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के घर के अंदर आप बैठे हुए और जो फोटो तो आप लोग निकाल रहे हैं, शर्म आती है उनको देखकर। इस तरह से बैठते गए। चीफ सेक्रेटरी को रात को 12 बजे घर बुला करके उसकी पिटाई कर दें और उसके बाद में ये उम्मीद करें कि पूरा का पूरा ऑफिसर्स और ब्यूरोक्रेसी इनको कोऑपरेट करेगी। चीफ सेक्रेटरी के साथ जो प्रिंसिपल सेक्रेटरीज हैं उनके कमरे में ताला लगा दिया जाता है, उनको प्रिविलेज कमेटी के अंदर उनको नोटिस देकर के बुलाया जाता है। इस तरीके की कभी भी आज तक के दिल्ली क्या छोड़िए, मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में किसी भी सरकार के अंदर इस तरीके से ये हरकतें ऑफिसर्स के साथ में हुई होंगी। आपका झगड़ा बीजेपी से, आपका झगड़ा कांग्रेस से समझ में आ सकता है, लेकिन ऑफिसर जो कि टोटली नॉन पॉलिटिकल होते हैं उससे उनसे किस बात का झगड़ा है? ये बात हम लोग, वो तो सिर्फ इसलिए झगड़ा है कि बहाना एक ढूंढना चाहते हैं कि काम नहीं हो रहा और इसलिए ये बहाना नहीं। बिहार की राजधानी पटना में रात के अंधेरे में कुछ लोग फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी को पीछे धकेलने लगे। ये गाड़ी वहां एक केमिकल गोदाम में लगी भीषण आग को बुझाने के लिए बुलाई गई, एक दर्जन गाड़ियों में शामिल थी। लेकिन आग बुझाने की मुहिम के दौरान दमकल की एक गाड़ी वहीं खराब हो गई, जिसके बाद उसे कई लोगों ने मिलकर पीछे की ओर धक्का दिया और तब गाड़ी स्टार्ट हुई। तभी एक आदमी ने ऊपर लगी आग की ओर इशारा किया। दमकल कर्मियों को आग पर काबू पाने का तरीका समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि फायर ब्रिगेड को चारों ओर इमारतों से घिरे गोदाम तक पहुंचने में मुश्किलें आ रही थी। फायर ब्रिगेड की तकरीबन एक दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंच गई है और पूरे इलाके की बिजली काट दी गई है। तकरीबन कह सकते 40 से 50 की संख्या में जो फायर ब्रिगेड कर्मी है वो पहुंच गए हैं। पटना के खजांची रोड पर केमिकल गोदाम में लगी आग से हालात बेकाबू हो रहे थे। आग से मची अफरातफरी के बीच लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। तभी डीजी फायर रविंदर कुमार भी मौके पर पहुंच गए और हालात का जायजा लिया। उन्होंने सड़क के दोनों ओर खड़ी भीड़ को घर के अंदर जाने का इशारा किया और फिर खुद ही लोगों को पकड़ कर वहां से हटाने लगे। लेकिन करीब 5 घंटे बीत जाने के बाद भी गोदाम में लगी आग जस की तस बनी थी। दमकल कर्मी लगातार आग बुझाने की कोशिशों में जुटे थे, लेकिन गोदाम में केमिकल का रिसाव होने से आग और भड़क रही थी। क्या हालात है यहाँ पर, जो केमिकल का रिसाव हुआ है उससे पता चल सकता है कि जो जमीन है वो पूरी तरह से काली दिख रही है, आंखों में जलन हो रही है। संकरा रास्ता होने की वजह से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां गोदाम के पास तक नहीं पहुंच पा रही थी। ऐसे में केमिकल गोदाम में पीछे की ओर बनी एक छोटी खिड़की पर सीढ़ी लगाई गई। सीढ़ी पर दो दमकल कर्मी चढ़ गए और ऊपर जाकर खिड़की के भीतर पाइप डालकर पानी की बौछार करने लगे। करीब 6 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हिमाचल प्रदेश की मंडी में जमीन खिसकने से हाईवे बंद हो गया। हिमाचल प्रदेश की मंडी में जमीन खिसकने की वजह से NH1 हाईवे बंद कर दिया गया, जिससे रास्ते में फंसे यात्री काफी परेशान हुए। दाती महाराज पर रेप का आरोप लगाने वाली महिला पहली बार मीडिया के सामने आई और अपनी आपबीती बताई। जम्मू कश्मीर के कठुआ में लंगर के सामान से भरे 50 ट्रक सीमा पर रोके गए। हरियाणा के फरीदाबाद में बात करते वक्त मोबाइल फटने से एक आदमी जख्मी हो गया और उसका पेन और चश्मा तक टूट गया। असम के हेफलोंग में रेलवे स्टेशन के पास जमीन खिसकने की वजह से रास्ते में फंसे यात्रियों के लिए कोई सुविधा नहीं होने से वो काफी परेशान नजर आए। यूपी के मुरादाबाद में तेज आंधी की वजह से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जबकि मौसम विभाग ने ऐसी आंधी को सांस के मरीजों के लिए खतरा बताया।